कोई खास खबर पप्पी? बेजान विस्की वाला के भविष्य का कॉलम पढ़ रहा। अच्छा या बुरा? 100% अच्छा ही होने वाला है। मेरी जिंदगी में 25 साल की कन्या आएगी जो मेरी लाइफ में बाहर ना आएगी। मेरी जिंदगी में सब कुछ नया नया ही होगा। इस बुढ़ापे में नई चीज का अचार डालोगे? अगर यही हाल रहा तो तुम्हारी बीवी भी तुम्हें नहीं लगने लगेगी। कहाँ हो जी? मेरी बीवी यहाँ कैसे पहुँच गई? जान में आ गई। दो मसाला डोसा साथ में चटनी। जानू आप ठीक हो ना? तुम तो गोलगप्पे की तरह हुआ करते थे, ये पिचक के पापड़ी कैसे बन गए? कौन है ये? उसकी बीवी है भाई, हमारे लड़के लेकर आए। I miss you, darling। ये क्या कर रही है आप? हैं कौन? मैं आपको नहीं जानता। hey, यहाँ पे ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? कैसा ड्रामा सर? ये तुम्हारी बीवी है, मैं जानता हूँ। मेरी बीवी? देखिए सर, मैं टेंशन में था इसलिए अपनी बीवी को भी नहीं पहचान पाया। तुम अचानक इतनी पतली कैसे हो गई और रंग भी काला पड़ गया? दादी की जगह नाप तोल क्यों कर रहे हो? सर जी, कहाँ है बदसूरत बूढ़ा बहुरा और कहाँ है कमसिन कुमारी कली? आप जैसा गधा ही इन्हें हस्बैंड वाइफ कहेगा। सही कहा। ये सिप्पी मेरा प्लान चौपट कर देगा, मुझे ही कुछ करना होगा। ये तो क्या इतना हल्ला बोल कर रहे हो? क्या कंफ्यूजन है? ये इनकी थर्ड वाइफ है। शी इज माय लविंग वाइफ। कमसिन और जवान औरत का बेटा इतना बड़ा और लंबा कैसे? इस ठरकी बुढ़े को जवानी में हर औरत ने रिजेक्ट किया। इसकी नीयत शुरू से ही गंदी थी। या तो ये खुद गधा है या आपको गधा समझ रहा है। हो सकता है इनका बेटा पहली पत्नी का आउटपुट हो। वही ना। हाँ, ये पहली वाइफ से है और मैं इसे बेटे की तरह प्यार करती हूँ। मुझे सच सच बता कि इसका बेटा कहाँ है। मुझे नहीं मालूम। अगर वो मिल जाए तो मेरी बहन भी मिल जाएगी। बता कहाँ है वो? मैं नहीं बताऊंगी। सर सर, इसे मार मारिए, कली मुरझा जाएगी। वाइफ को मारने पर वो सब सच उगल देगा। तूने कहा था ना, वाइफ आखिर वाइफ होती है चाहे किसी की भी हो। सुनिए, ये सब मैं आप ही के लिए कर रही हूँ। मैं इन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। आई लव यू। जवाब दे। बोल। सर सर, औरतों पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है, बात करके मसला सुलझा लीजिए ना। संतोष। हाँ भाई। मैं इन दोनों को 2 घंटे का वक्त देता हूँ, दोनों को एक कमरे में बंद करके सच बोलने को मजबूर कर दो। सर, दोनों को एक ही कमरे में क्यों बंद कर रहे हैं? दोनों अलग अलग कमरे में रहकर भी इस बारे में सोच सकते हैं। ये तेरी बीवी है जो तू इतना टेंशन ले रहा है? जब तक ये उस लड़के का पता नहीं बताती तब तक ये इसी के कमरे में रहेगी। ले जाओ इसे। चल चल रे। क्या ये भी तेरा प्लान था? अच्छा लगा क्या रे? मेरी बीवी के बारे में गूगल सर्च मारा क्या? फेसबुक फ्रेंड्स हैं हम। मेरे अंदर सोए हुए जानवर को मत जगाओ जानी। चूहे के जागने से शेर को फर्क नहीं पड़ता। सिप्पी, पप्पी की बीवी चिकनी चमेली से भी ज्यादा चिकनी लगती है। जी करता है उसे स्विट्जरलैंड या शिमला लेके चला। हमेशा ऊपर से देखा करो उसे। वहां से भी बॉम्ब है। अरे यार, किसी दूसरे की बीवी के बारे में ऐसी गंदी बातें नहीं करनी चाहिए। तू तो ऐसे नाराज हो रहा है जैसे तेरी पर्सनल बीवी हो। बीवी आखिर बीवी होती है। वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ जानू, बहुत दिन से गले नहीं लगाया। अगर किसी ने देख लिया तो? देखता है तो देखने दो। हाँ? आखिर पति बनने वाला हूँ तुम्हारा, अब तुम्हारा सारा बोझा मैं उठाऊंगा। 50 ग्राम वजन ज्यादा लग रहा है। क्या कर रहा है? ससुराल की रोटियां खा के वजन बढ़ रहा है मैडम। ओह माय गॉड, नहीं। शर्म का घूंघट खोलो ना, खोलो ना। एक पप्पी दोनों। ओए पप्पी जप्पी, क्यों घर की पवित्रता को भांग क्यों बना रहे हो? किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कौन देखेगा? कोई भी। कैसे देखेगा? क्या ककड़ी रेस्ट हो रहा है? अरे ककड़िया खा लो, आंखें खोलो। भरत तुम तो खोलो। सिपी, विक्की ने कहा है चाहे भूकंप भी आ जाए तभी आंखें मत खोलना। आंखें खोल के देखो, भूकंप तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है। शाम को एंगेजमेंट का फंक्शन है, मुझे अच्छा दिखना है। एंगेजमेंट होगी तो अच्छा दिखोगे ना, जिससे होने वाली है वो तो एंगेज है। तुम्हारी आंखों पर ककड़ी का पर्दा पड़ा है। कहो तो तुम्हारी आंख पर भी रख दो एक ककड़ी। तुम मकड़ी का जाल बुनोगे मेरी आंखों पर ककड़ी रख के? डार्लिंग, कहाँ हो तुम? वाओ, she's sexy। कितनी हॉट है, काश मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। काश मेरी सगाई से होती, शादी करके सीधा हनीमून पे ले जाऊं। मेरे लिए? नहीं, मेरे हस्बैंड के लिए। वो तो मैं हूँ। मतिदेव खाइए ना।
क्या लगती है काश में चम्मच होता है। सब अपनी आंखों पर ककड़ियां रखो, जल्दी रखो। चंदू चंदू कहाँ जा रही हो? एक मिनट मेरी बात तो सुन। वैंकी क्या हो रहा है? देखे ना सर, शाम को इसकी एंगेजमेंट है, सब वहां पर फेशियल करवा रहे हैं लेकिन ये करने को तैयार नहीं है। लगता है ये शादी से खुश नहीं है। ये फेशियल नहीं करेगी तो भी इसकी सगाई आज ही होगी 100%। चल मेरे साथ। देखा तूने पप्पी, शाम के फंक्शन का फायदा उठाकर कहीं हम दोनों भाग न जाए इसलिए हमें इस कमरे में कैद कर रखा है। ए हीरो, हाय, लुकिंग हॉट। नमस्ते हुजूर, चाय कॉफी खा ली? खाना वाना पी लिया? अब मरे हुए का मजाक मत उड़ाओ। दूल्हा कौन है, तुम या वो जोकर? दोनों किस्मत ट्राई करेंगे। हमसा, वेंकी ने तुम्हें पीछे वाले कमरे में बुलाया है। वेंकी ने? वेंकी तो उस तरफ गया है, तुम उसे पीछे वाले कमरे में क्यों बुला रहे हो? अबे सिद्धि की औलाद, वेंकी के बहाने उसे पीछे वाले कमरे में बुला के मैं उसके साथ डाक के चिकेट हाँ करूंगा। ए, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? वो तुम्हारी वाइफ के साथ ढक कचकी करने वाला है। वो मेरी वाइफ नहीं है, मेरा बेटा भाड़े से लाया है। सर हाँ, आपको एक राज बताऊं सर? हाँ। वो मेरी वाइफ है। मुहूर्त का समय होता जा रहा है, अब अंगूठी पहनाइए। चंदू हाथ आगे बढ़ा, कम ऑन भगत। सर भैया कौन है ये, मार क्यों रहे हैं? 20 साल तक मैंने इसे अपनी बेटी की तरह लाड़ प्यार से पाला लेकिन शादी के दिन सबको धोखा देकर मंडप से भाग गई और अपने प्रेमी से शादी कर ली इसने। भैया मैंने उससे शादी नहीं की है। तो मैं भागी क्यों? शांत हो जाइए सर, गुस्सा थूक दीजिए। इसने भागकर बहुत बड़ी गलती की है, अब पछता रही है इसलिए तो वापस आई है। मुझे माफ कर दो भैया। माफ तो कर दूंगा लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी पसंद मेरी पसंद से किस तरह बेहतर है, उसके बाद माफ करूंगा। जवाब दो। जवाब ये नहीं देगी, हम देंगे। बचपन से भाई बहन साथ रहते हैं, अचानक हम उसे एक नई जगह और एक नए इंसान के साथ भेजते हैं जिसे वो नहीं जानती, उससे पूछे बगैर। वो अपनी खुशी का गला घोंटकर, अरमानों को त्याग कर सिर्फ अपनों की खुशी के लिए डोली में बैठ जाती है। हम भाइयों से ये बहनें बहुत ज्यादा महान होती हैं सर, इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। इसे गलती का एहसास हो गया और ये अपने किए पर शर्मिंदा है, आप इसे निराश मत कीजिए, माफ कर दीजिए। हमारा फर्ज सिर्फ उन्हें पालना पोसना नहीं होता, उनके हर बुरे वक्त में उनका साथ देना होता है। भाई इस शुभ दिन पर दीदी को माफ कर दो ना, और दीदी और भरत की आपस में शादी करवा दो। जजमान मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, अब एक दूसरे को अंगूठी पहनाइए। पंडित जी कोई दूसरा मुहूर्त निकालो। देखा, मेरी बात ना मानने का नतीजा आज उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर मेरे बताए हुए लड़के से यह शादी करती तो तुम्हारी बहन आज इतनी दुखी और मायूस नहीं होती। खैर जो हो गया सो हो गया, मैं भरत से बात करके उन दोनों की शादी करवा दूंगा। तुम उसे संभालो, जाओ। दीदी ये सब क्या है दीदी,
पहले तुमने भैया की पसंद को रिजेक्ट कर दिया और फिर अपने लवर के साथ घर से भाग गई, फिर उससे बिना शादी के वापस क्यों चली आई? दीदी तुम हंस क्यों रही हो? तुमसे ये किसने कहा कि मैंने शादी नहीं की? तुम्हारी सगाई रोकने के लिए ये सब ड्रामा करने के लिए उसने कहा। उसने कहा? कौन है वो? मैं हूँ वो। हाँ? तुम हो? जाने अनजाने में मैंने इसे भाईजी से दूर कर दिया, दोबारा इन्हें मिलाने के लिए ये सब करना पड़ा। लेकिन शादी के बारे में झूठ क्यों बोला तुमने? देखो लॉजिक ये है, मान लो कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल होकर घर आता है तो घर वाले चिल्लाते हैं ना, अगर वही स्टूडेंट रोते हुए घर आए, थोड़ा सा ड्रामा करें तो घर वाले उसे देखकर पिघल जाते हैं। इसी इमोशनल अत्याचार को मैंने तुम दोनों के भाईजी पर आजमाया। ये तो बचपन में शरारतें करता था, मैं तो अब भी शरारतों से बाज नहीं आता। देखा तुमने, उम्र बचपन की हो गई लेकिन दिल बचपन का है। ए, कम सैलरी में नौकरी एक सजा और बिना प्रेम की शादी में कुछ नहीं मजा। एक्सपीरियंस हाँ। खजूर खबरी लाल हमारी बातें सुन रहा है, चलो बाहर चलकर उसी की खबर लेते हैं। कुछ मत बताना, मुंह पे सेलो टेप लगाना। इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? किसी को कुछ मत बताना। ऐसा क्या कर दिया? ये शरीफों वाले एक्सप्रेशन तुझे सूट नहीं करते। पहले तुम दोनों नौटंकी कर रहे थे, अब उन लड़कियों को भी शामिल कर लिया। अरे हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं, तुम भी शामिल हो जाओ पार्टी। हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी है, जो मैं शामिल हो जाऊं? बाबजी की बहन की शादी भरत से करवाने की तैयारियां चल रही हैं। अभी इसी वक्त नीचे भी वही डिस्कशन चल रहा है, ये शादी नहीं रुकेगी। दूसरी कहाँ है तू? मेरा मुन्ना, मम्मा, मेरा बाबू। सामने होकर भी क्यों चिल्ला रहे हो, बहरे हो क्या? इन्हें सालों से मैंने नहीं देखा। सालों से? छोटी बच्ची थी तब देखा था, बड़ी हो गई। इन्हें तुम छोटी कैसे देख सकते हो? फोटो में देखा था। फोटो में? कैसे, समझा नहीं। इन्होंने सेल्फी निकाली थी। ये नमूना कौन है? ये सिप्पी है, मेरा दोस्त। ओए माँ, तुम शोले वाले सिप्पी हो? बेबी, तुमने चाय लाने में देर क्यों की? रात को आपने सोने कहाँ दिया है? क्या कहा? कैसे? कैसे? ये कौन है? पत्नी। ये कौन है? ये इनकी पत्नी। अब रुको, जरा ब्रेक लगाओ। अगर पप्पी की वाइफ ये है तो फिर पप्पी ने इसे अपनी वाइफ क्यों कहा? सुना सबने? झोले। सही बोल रहा है। ये फैमिली ड्रामा पर पानी फेर देगा। अबे जाकर किसी साउंड इंजीनियर से अपने कान का चेकअप करवा। इन्होंने इसे वाइफ नहीं कहा, इसे कहा। ओ, लेकिन ये तो इसकी तरफ लपका। हर मर्द की फितरत है औरत को देख कर लपकना। सत्य वचन। ये सैंपल कौन है तुम्हें सही बताने वाला? वेंकी, इसे पहचानो। भैया बंद करो ये नाटक। फिल्म यादों की भारत का रीमेक बना रहे हो क्या? ये तुम्हारा भाई है? ये मेरा भाई है, सौतेली माँ से जन्मे इस भाई को इस माँ ने पाला है। अब ये नया लोचा कौन सा है? तुम्हारी सौतेली माँ को उसे ढूंढने जाना चाहिए था। वो इन्हें हैंड ओवर करके गई थी ना। वो लौट कर क्यों नहीं आई? रिटर्न टिकट इनके पास था ना। मैंने यहाँ थोड़ा सा झोल है, एक्चुअली पूरा झोल है। झोल बहुत कोलकाता की डिश है, तू इस वक्त नागपाड़ा में है। क्या हुआ वेंकी? ए कोने में, बीच में मत पड़। ए सिपे, ये कौन है? मेरी मम्मी है। नमस्ते समधी जी। माँ की बचपन से ख्वाहिश थी कि आप जैसा हैंडसम समधी हो। ये बाबजी की बहनें हैं माँ। नमस्ते सासू माँ। ये लड़की बाबजी के साथ इस घर में भाड़े से रहने आई है, जल्दी इसकी शादी है। शादी के बाद भी यही रहेगी। माँ की बचपन की ख्वाहिश है कि आपकी बहन जैसी खूबसूरत लड़की उसकी बहू बने, बहुत इमोशनल है। मेरी बहनों को अपनी बेटियां समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ इन्हें अंदर ले जाओ। नमस्ते।